बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद। ये जी आज देखें, अगर सफाई आप ना रखें तो बकरी की क्या हालत होती है। बकरी सोई है, पीछे बच्चा देखें कितना प्यारा बच्चा भी है और उसकी हालत ये हो गई है। ठीक है, दो बच्चे दिए इसने। और इसका हल सर जी ये है कि जब भी बकरी सोए तो उसको जो है ना गर्म पानी करके फौरी तौर पर उसके सारे गंद साफ कर दें। अगर पेचिस लगे हैं उसको, वो दम के साथ चिमट गए हैं तो उनको भी कर दें साफ। ठीक है, ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, बकरी की जान भी ले सकता है। अच्छा, अब ये हो गया, अब इसका हल क्या है? पहले नंबर पे तो आपने ये करना है, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है बकरी को फौरी तौर पे, ताकि अंदरूनी कीड़ों को जाके वो मारे। अच्छा, जो मर गए ठीक है, जो बच गए उनको आप कैसे करेंगे, उनको अच्छे तरीके से आपने निचोड़ के निकालना है जी बाहर। जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद फिर भी कुछ बच जाएंगे अंदर, उनके अंडे बच जाएंगे जिनसे दोबारा बच्चा पैदा होने की का खतरा होगा। तो उसको, उसके लिए आपने क्या करना है, इससे पहले पेट्रोल लेके जो है ना अच्छे तरीके से इस जख्म को धो देना है, अंदर से वो सरिंज लेके सरिंज के जरिए प्रेशर से धोना है, ताकि अंदर कोई अंडे या अंदर कोई अगर हैर रह गया तो वो भी बाहर निकल आए और वो मर जाए। अच्छा, उसके अलावा अगर फिर भी हो गया, मतलब कोई एहतियातन आपने क्या करना है कि आपने इसमें सैगवान पाउडर का पैकेट मिलता है, उसके पैकेट दो तीन लेके जितने भी इस जख्म में भर होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से भर के ऊपर से इतने मजबूती से बांध देना कि हवा ना जा सके अंदर। तो इससे क्या होगा, वो जो कीड़े हैं जो अंदर हैं वो मर जाएंगे मुकम्मल तौर पे। अभी आगे रिकवरी का मसला और बकरी के दर्द का मसला। बकरी को आपने क्या करना है जी, मेलोक्सिकैम का इंजेक्शन लगाना है लाजमी, और आपने पेंसिलिन 5 ग्राम में बायोपेन इंजेक्शन बहुत अहम है, बायोपेन इंजेक्शन जो है वो आप लगा सकते हैं। ये अगर आप हल करेंगे तो आपकी बकरी जो है वो रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी काम करने वाला यह है कि आपने पिंक स्प्रे या कट स्प्रे जो है वो इस पे लगानी है हर 2-4 घंटे बाद, ताकि मक्खियां ना बैठें। पिंक स्प्रे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जबकि कट स्प्रे का भी अच्छा है, लेकिन उस जितना नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।